डाक विभाग के सचिव श्री अनंत नारायण नंदा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव श्री आई श्रीनिवास, भारतीय डाक सेवा और भारतीय कंपनी विधि सेवा के अधिकारी, प्रशिक्षुगण, आप सभी अधिकारियों का राष्ट्रपति भवन में बहुत बहुत स्वागत। आप अभी अभी इस देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा में सफल होकर आए हैं और जल्दी ही एक और बड़ी परीक्षा अर्थात भारत के जनसाधारण की सेवा में उतरने वाले हैं। जन सेवा की इस परीक्षा में आपकी सफलता के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत जैसे विशाल देश में डाक सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैं डाक सेवा की बात करता हूँ। भारत सरकार द्वारा 1854 में शुरू की गई डाक सेवा का विस्तार दूर दराज के गांव तक ही नहीं बल्कि घर घर तक है। डाकघर और डाक बाबू जनता के साथ डाक विभाग के इंटरफेस की तरह काम करते हैं। वे ऐसे त्योहारों की तरह जनजीवन में शामिल हैं जो वर्ष में एक बार नहीं बार बार आते हैं, लेकिन बदलते समय के साथ इस व्यवस्था में बदलाव की ज़रूरत महसूस की गई है। जन जन के जीवन को छूने वाली इस व्यवस्था में बदलाव लाने का दायित्व तो आप सबने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं इंडियन पोस्टल सर्विस के आप सभी अधिकारियों को फिर से बधाई देता हूँ। यह समय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति का समय है। ऑटोमेशन और सूचना प्रौद्योगिकी ने सर्विस सेक्टर का काया पलट कर दिया है। ईमेल, एसएमएस और डेटा टेलीफोनी के ज़माने में जन सामान्य ने चिट्ठियां लिखना बहुत कम कर दिया है, लेकिन ई कॉमर्स के तीव्र विस्तार से नए रास्ते खुले हैं। छोटी छोटी कुरियर कंपनियों से लेकर मेगा कंपनियां ई कॉमर्स से लाभ कमा रही हैं। डाक विभाग को इन नए अवसरों को तेज़ी से और मजबूती से पकड़ना होगा। देश का काफ़ी बड़ा हिस्सा कभी मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हुआ करता था। अब बैंकों और भुगतान कंपनियों ने टेक्नोलॉजी से यह संभव कर दिया है कि पलक झपकते पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। जन सामान्य का डाक विभाग पर भरोसा है, इसलिए आपको उस भरोसे को मजबूत करते हुए ई मनी ऑर्डर से आगे सोचना होगा। नई नई सेवाओं के लिए नए नए एप्लीकेशन विकसित करने होंगे। इसी तरह भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में डाक और कॉरपोरेट व्यवस्था का एक बहुत अधिक महत्व है। जिन जगहों पर बैंक अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उन जगहों पर भी डाकघर बरसों से मौजूद है। देश में सभी बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या लगभग 1,32,000 है, जबकि डाकघरों की संख्या 1,55,000 के आसपास है। आम जनता का भरोसा भी इनमें बना हुआ है। डाकघरों को अच्छी से अच्छी भरोसेमंद तीव्र सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना है। भारत सरकार ने डाकघरों को आधुनिक बैंकिंग और भुगतान व्यवस्था से जोड़ने की पहल की है। भारत के डाकघरों को कुछ विकसित देशों की तरह वन स्टॉप शॉप का रूप देना होगा। पेंशन, डीबीटी, तुरंत भुगतान के नए नए क्षेत्रों में काम बढ़ाना होगा। इसी तरह व्यापक बदलाव के इस दौर में इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। मिलजुल कर काम करने की ताकत के साथ श्रम एवं कौशल का प्रयोग करते हुए स्वयं लाभ अर्जित करने के साथ साथ व्यापक समाज को सुख और समृद्धि देने की मंशा ही किसी कंपनी की स्थापना का ध्येय होना चाहिए। इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस के अधिकारियों को नज़र रखनी है कि कंपनियां इस ध्येय पर खरी उतरें। जनवरी 2018 में देश में छोटी बड़ी कुल मिलाकर 17 लाख से अधिक कंपनियां थीं, जिनमें से 5 लाख से अधिक कंपनियों को सूची से हटा दिया गया। हटाई गई कंपनियों की इतनी बड़ी संख्या से अनुमान लगाया जा सकता है कि निगरानी व्यवस्था को और चुस्त बनाया जाना है। जनता की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रखने
और कंपनियों तथा व्यापारिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सबके ऊपर है। कंपनियों को कामकाज की सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनके कामकाज पर गहरी नज़र रखी जानी है। पिछले वर्षों में हुई घटनाओं को देखते हुए ऐसा करना और भी जरूरी हो जाता है। इस कार्य में आधुनिक प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जा सकता है। कंपनी और बैंकिंग व्यवस्था आधुनिक व्यापार प्रणाली की धुरी है। आप एक महत्वपूर्ण जनसेवक हैं और इस नाते आपका दायित्व है कि आप कंपनियों एवं व्यवसाय की स्थापना का काम सरल बनाएं। यह जिम्मेदारी भी आप पर आती है कि कंपनी व्यवस्था और व्यवसाय में जनता का भरोसा बना रहे। तेजी से बदल रही दुनिया में ये दोनों व्यवस्थाएं विशाल रूप लेती जा रही हैं। इनके विस्तार और इनके कामकाज के बीच अच्छा तालमेल बना रहे, इसके लिए आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। भारत एक बार फिर सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन रहा है। इस समय हमारी जीडीपी लगभग 2.3 ट्रिलियन डॉलर की है। वर्ष 2025 तक इसे लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने पर काम करना है। एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका इसमें और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विस के अधिकारियों को तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के दौर में अपना योगदान देना है। व्यापार एवं उद्योग के संचालन में सुगमता और सहायता प्रदान करते हुए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कॉरपोरेट क्षेत्र में कानून और नैतिकता का वातावरण बना रहे। देश में एक बेहतर, पारदर्शी, दक्ष, सुशासित और जन उपयोगी डाक एवं कॉरपोरेट व्यवस्था में आप अपना योगदान अच्छी तरह से करें और इस तरह राष्ट्र की सेवा कर पाने में सफल हों, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अंत में एक मैं एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगा। यू ऑल ऑफिसर्स बिलोंग टू ए वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस ऑफ द कंट्री। When you go to the field, you will get lot of opportunities for your exposure, including the opportunity of allurements, जिसको हम फिसलन कहते हैं, because you will have the power in your hands. और those are the proper moments when you have to be most self-disciplined and self-controlled. और एक बार, क्योंकि मुझे लगता है, मैं अपने जीवन का थोड़ा सा अनुभव कि व्यक्ति के पास पद प्रतिष्ठा, इन चीज़ों का व्यक्तित्व के साथ में इसका मूल्यांकन नहीं होता है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन पद प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उसके नैतिक बड़प्पन से होता है। और वहाँ पर जहाँ आप थोड़ा सा फिसले, तो फिसलाने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, देयर मेजॉरिटी ऑफ देम यू विल फाइंड। और उस मोमेंट को बचा करके रखना है, मुझे लगता है। अदरवाइज बहुत सारे ऑफिसर्स को आपने देखा होगा कि मतलब एक जो दाग लगता है, वो दाग यदि बर्दाश्त कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। दाग को बर्दाश्त करिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को बर्दाश्त करिए, नौकरी से रिमूवल को बर्दाश्त करिए, जेल भी बर्दाश्त करिए, सब चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं जिनको कहते हैं कि बहुत वो कड़े दिल वाले होते हैं, बेशर्म होते हैं, और उस रास्ते से ना गुजरना पड़े, बिकॉज यू पीपल आर दी, जिसको हम कहते हैं, समाज की क्रीम, द बेस्ट क्रीम ऑफ द सोसाइटी। आप जब सिलेक्ट होकर के आए हो, यू हैव लेफ्ट बिहाइंड योर सेल्फ लैक्स ऑफ एजुकेटेड पीपल। ऐसा नहीं है कि वो आपसे किसी बात में कम है, कहीं ना कहीं ठीक है। यू हैव क्वालिफाइड योर रिटन एग्ज़ाम, देन फॉलोड बाई बाइवा, ये सब चीज़ें ठीक है। कहीं ना कहीं आपका किस्मत ने भी आपको साथ दिया है, तो डेस्टिनी आल्सो गोज विद यू। लेकिन बट प्लीज़ रिमेंबर, That is my final advice. Thank you.